अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको पटराटा घुमाऊंगा। ये बेसिकली मैं पटराटा की पार्किंग में खड़ा हूँ। जून का महीना चल रहा है और इस्लामाबाद और पाकिस्तान में पीक की गर्मी है और नॉइज़ पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। इस वक्त काफ़ी लोग आए हुए हैं और ये कोस्टर हॉर्न देती जा रही है। अच्छा, ये मेरे पीछे आप पार्किंग देख सकते हैं और पार्किंग की कुछ प्राइस पर लगी हुई हैं। साथ आप ये भी देख सकते हैं, चेयर लिफ्ट बंद होने के साथ 20 मिनट बाद पार्किंग भी बंद हो जाएगी। बाद में हमला जिम्मेदार है। की पॉइंट ये है, अगर आपने अपनी गाड़ी या बाइक या कोस्टर या जीप जो भी है निकालनी है तो चेयर लिफ्ट की टाइमिंग के 20 मिनट बाद अपनी ले जाएँ, वरना फिर हमला जिम्मेदार नहीं। दिस इज़ पाकिस्तान। तो यहाँ से चेयर लिफ्ट की एंट्री हम स्टार्ट करते हैं, आपको प्राइसिंग बताते हैं, सारा कुछ बताते हैं। चले स्टार्ट। जैसे आप अंदर दाखिल होंगे मेन गेट से तो ये कुछ ज़रूरी हदायात मिलती हैं सियाह के लिए, टूरिस्ट के लिए। हम भी टूरिस्ट हैं, आप भी टूरिस्ट होंगे, तो ये कुछ ज़रूरी हदायात हैं आपके लिए। वार्निंग बहुत अच्छी लिखी हुई है इन्होंने, लेकिन आई थिंक इट शुड बी एटलीस्ट 10 लाख, 10,000 नहीं होना चाहिए, ताकि जो भी वायलेटर्स हैं अगर कोई वो गलत हरकत करें, ब्यूटीफाई जो किया हुआ है TDCP ने, तो 10 लाख की कम अज़ कम प्लेंटी मेरे ख्याल से होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो प्राइस लास्ट टाइम 800 थी लास्ट ईयर में आया था, और उसके बाद 1000 हुई है, और अभी टेपों से 1200 लग गए। तो मज़ीद टिकट ऑफिस में जाकर पता करते क्या ये मज़ीद बड़ी है या 1200 हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। 2 टिकटें चाहिए एडल्ट्स की, ये रिटर्न के साथ ही होंगी ना? ₹1200 की मैंने टिकट ले ली है, और इस पर आप देख सकते हैं चेयर लिफ्ट 1200, सारा प्राइस सेम है, लेकिन इन्होंने हिस्से डिवाइड कर दिए। शुरू में मैं ये दूंगा, फिर केबल कार का दूंगा, फिर रिटर्न का दूंगा, फिर रिटर्न का दूंगा, और ये मेरी कस्टमर कॉपी रहेगी। और अगर आप लाइन में नहीं खड़ा होना पसंद करते तो 2500 के टिकट लेके एग्जेक्टिव टिकट ले सकते हैं डबल प्राइस पे, ऑलमोस्ट एंट्री फॉर चेयर लिफ्ट। ये इन्होंने एक पैसेज सा बनाया हुआ है, इसी में से आप गुजर सकते हैं, और वो पीछे क्यू लगी हुई है, काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, उस क्यू में जाकर खड़े हो जाएंगे, फिर ये सिंगल मैंने टिकट कट कर लिया, कहूँगा जी ये वैलिड है, तो उन्होंने ये रख लेने कहना बैठ जो भाई जान। फिर Insta360 से मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग करूँगा, और वो व्यूज़ मैं थोड़े अलग अपडेट करूँगा, क्योंकि ये वीडियो जो है बिल्कुल इंफॉर्मेटिव रहेगी और कुछ थोड़े से व्यूज़ आएंगे। आ जाइए। क्योंकि मेन जगह पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे मेरी बारी आ गई, कुछ ज़रूरी हदायात है पीछे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जिस तरह ये भी पीछे एक फैमिली उतरेगी, ये सीट आएगी और ये वाले भाई पहले बैठेंगे, फिर मेरे साथ ये फहद साहब बैठेंगे, और Insta360 उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। ये येलो कलर की मार्किंग कहीं हुई, इस पर खड़े होना पड़ता है आपको, और ये अभी पीछे आएगी, और इस पर मैं अभी काफ़ी ज़रा एक्टिवली आपको करना पड़ता है तो थोड़े क्लिप्स काट गए। खैर, व्यूज़ हैं ऑपोजिट साइड के, आप भी थोड़े से बादल हैं, और इस कैमरे को करते हैं मज़ीद बंद, और ये Insta360 से हम बनाते हैं बेहतरीन से व्यूज़ जो कि आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। ऑलमोस्ट ओपन कार केबल 2% के लिए जो होती है उसका एंड पॉइंट आने लगा है, और ये जो बैक पे येलो से कलर का शीट आपको नज़र आ रही है, बेसिकली इसको आप ऊपर कवर कर सकते हैं अगर बारिश हो रही हो। ऑलमोस्ट 1 मिनट में हम इस इधर से उतर जाएंगे, और फिर जो कैबिन होती है 8% वाली उसमें हम जाएंगे, तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिक्वेस्ट करूँ उन्हें कि अगर हमें वो अलाउ करें 2% ओनली, ताकि हम उसके अंदर से फुटेज ज़्यादा अच्छी बना सकें। ये थी सर।
क्यू काफ़ी ज़्यादा लंबी लगी हुई है और ये पीछे ऑफिस है और काफ़ी आई वुड से कि काफ़ी हॉस्पिटेबल लोग हैं अमला है TDCP का, और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि जो कैबिन्स इस तरह के आ रहे हैं इसमें अगर मुझे और फहद को अगर अलग बैठने दें ताकि वीलॉग में गुफ्तगू करनी होती है और साथ बाकी पब्लिक भी होती है तो कुछ मुनासिब नहीं होता। माइक लगाया हुआ है लेकिन स्टिल थोड़ी सी नॉइज़ आ जाती है, तो उन्होंने कहा कि कर देते हैं आपको अकोमोडेट, थोड़ा वेट करें, ये जितने लोग खड़े हैं इनको बिठा देंगे, उसके बाद फिर मुझे और फहद को एक्सक्लूसिवली उन्होंने फर्स्ट कैबिन में कहना है बैठ जाएँ। सो दिस इज़ एक्सप्लोर विद फरुख, इन्जॉय करें। चल फादी आमने सामने बैलेंस करने के लिए फहद, हाँ हाँ, ये एक्सक्लूसिवली उन्होंने मुझे पूरा कैबिन दिया और पिछले जो दो कैबिन्स हैं वो उसमें 8-8 पर्सन्स हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल जो उस कैबिन में जिन्होंने अपनी शिनाख्त नहीं कराई, नाम बताना पसंद नहीं किया, उन्होंने इतना खलूस दिया। और इसके अंदर मैं ये बता दूँ सीट्स काफ़ी स्टेबल और ड्यूरेबल होती हैं एंड इनके डोर्स के कोई लॉक्स वगैरह नहीं होते, ऑटोमेटिक लॉक्स होते हैं। एंड इसमें यहाँ पे एक आपको विंडो मिलेगी हवा आने के लिए, और दो विंडोज़ यहाँ पे होंगी जहाँ से एक से फहद ने सेल्फी स्टिक निकाली हुई है। एंड थोड़े से अगर मैं व्यूज़ दिखाना चाहूँ यहाँ से तो ये देखें आप, ठंडी मज़े की हवा आ रही है। अगर आप इस्लामाबाद पिंडी में रहते हैं तो इट्स वर्थ अ ट्राई आई वुड से। आप 1200 रुपये में अगर आप आसमान की बादलों को छू रहे हैं तो व्यूज़ भी कमाल के हैं। अगर यहाँ से अगर आप थोड़ा सा विजुलाइज कर सकें, बिल्कुल हम इस वक्त सही वाली ऊंचाई में से गुजर रहे हैं। 8% की जगह मैं बता रहा था 4 इस तरफ बैठते हैं, 4 उस तरफ बैठते हैं। अभी फहद और मैं हैं, दोनों ने कहा एक इधर बैठे एक उधर बैठे ताकि ये बेसिकली गंडोला जो हैंग कर रहा है कैबिन ये झूले ना, बैलेंस होके चले। कमाल, दिस इज़ दी टॉप पॉइंट ऑफ पटरियाटा और यहाँ पे एग्ज़िट हो जाती है आपकी चेयर लिफ्ट। बाकी कैबिन्स भी खाली हो रहे हैं और जो लोकल वेंडर्स हैं वो काफ़ी जज्बे और वलवले के साथ चाय कॉफ़ी पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छा, ये पीछे थोड़ा सा हाइकिंग ट्रैक है और हॉर्स राइड भी आप कर सकते हैं, और ये वापसी की सारी क्यू लाइन लगी हुई जिसमें मैंने भी लग के वापस डिसेंड करना है, फिर पार्किंग से अपनी बाइक लेनी है, फिर इस्लामाबाद वापस जाना है। दिस वॉज ऑल अबाउट पटरियाटा चेयर लिफ्ट। वॉक करके जा रहा हूँ, TDCP की सुवेनर की शॉप आ गई है, आगे कश्मीर पॉइंट पे जाऊँगा वो इंशाल्लाह सेपरेटली मैंने अपलोड करनी है वीडियो, बट दिस वॉज टारगेटेड ऑडियंस जिन्होंने पटरियाटा आना है और चेयर लिफ्ट का शौक है। तो 1200 इज़ दी टिकट प्राइस और काफ़ी कम्फर्टेबल चेयर लिफ्ट हैं, काफ़ी आपके साथ जो इनके TDCP के एम्प्लॉयज़ हैं काफ़ी हेल्पफुल हैं, आपको गाइड करते हैं। और दैट्स इट, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में मेरे ख्याल का इजहार कीजिएगा, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस बार फिर हमें अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह किसी और नई जगह पर मिलते हैं। अच्छा, ये बीच में आ रहा है तेरे।